75 सालों में दो चीजें विदा की, यानी 50,000 रुपए एक बच्चे का खर्चा है। इससे निपटने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने के साथ ये जो बड़े बड़े स्टोर है सब में जो आपने 30% का 60%, बल्कि मैं समझता हूँ कि 70% आपका तालीम इंसानियत का दर्द नहीं देता। हमारे पास तो 3-4 चीजें दुरुस्ती सब चल गए थे। हम जो आगे नहीं बढ़े, हमारे एजुकेशन से ज्यादा लोग आजकल मदरसों में पढ़ते हैं। उसका बुनियादी वजह यह है कि एजुकेशन इतना महंगा के लोगों के जो उसके उसमें जो सख्त थी उससे भी ज्यादा है, जो कि अक्सर अपने बच्चों को आगे पढ़ाने से कासिर है। जब कैडी स्कूल के लिए कौन आएगा, और जब मैट्रिक स्कूल ना देख रहे हो, ऐसा ये यहाँ अड़ोस पड़ोस के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग प्राउड, बहुत अच्छा महसूस किया कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेहनत थी आज उस मेहनत का सिला मिल गया। और अलहमद इस्लामी यूनिवर्सिटी वो प्राइवेट सेक्टर में वाहिद यूनिवर्सिटी है जो आपको एक मनालिश करती है, जो आपको सराहती है, आपको हर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो एज इट इज़ मुझे भी ये सपोर्ट प्रोवाइड की गई, और जो है आज जो मेरी मेहनत है उसका सिला मुझे मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग प्राउड। अजमल है और मैंने MSBA में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और ये अलहमद यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट MS का सेशन था मैं उसकी स्टूडेंट थी, और मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल। देखें, मैं एक खातून होने के नाते, एक बाल बच्चेदार होने के नाते, अगर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं एक मॉडर्न एजुकेशन पढ़ सकती हूँ, और इस वक्त मैं PhD कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि हर लड़की ये पढ़ सकती है। और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इंसान की सोच जो है वो वसी होती है, और हमें ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करने की कुव्वत देती है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।